बिहार में कोरोना की संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं यहां पे लापरवाही भी काफ़ी देखी जा रही है। राज्य में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसी स्थिति में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। राज्य में तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग कोरोना संक्रमण को दावत देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के सारण जिले के मसरख की है। मसरख में देखिए किस तरह से लोग कोरोना संक्रमण से बचने के बजाय कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो गाइडलाइन है, गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग देखे जा रहे हैं। इन धज्जियों को उड़ाने से सरकार की तो आदेशों की अवहेलना हो ही रही है, इसके साथ ही लोग संक्रमित होने का खतरा भी पाल रहे हैं। लेकिन इन लोगों को इस बार बालाओं के ठुमके ज़्यादा पसंद हैं बजाय कोरोना संक्रमण से बचने के। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन मसरख में शादी समारोह में शामिल हो रहे ये लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप भी देखिए और देखिए कि किस तरह से ये लोग कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। ऐसे में कानून की धज्जियाँ तो उड़ाई ही जा रही है, इसके साथ ही अपनी जान से लापरवाही भी कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ सकती है। और ऐसे में जब ये लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएंगे तो सरकार को दोष देंगे और अस्पतालों में भीड़ बढ़ाएंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है लोगों की लापरवाही बिहार के अंदर कोरोना संक्रमण को दावत भी दे रही है। छपरा से मुखर संवाद के लिए शशि यादव की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।